नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से एक वैकेंसी निकला है। बताऊंगा इसका वैकेंसी, पोस्ट, एज लिमिट, एज क्राइटेरिया, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, सारे में आपको विस्तार से ए टू जेड आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिए, और अगर आप फॉर्म फिलअप करना चाहते हो तो ये आपके लिए बहुत ही बढ़िया वैकेंसी है। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल कर दीजिए, ऐसे ही हर तरह की जॉब की नोटिफिकेशन के अपडेट आपको मिल सके। तो दोस्तों चलते हैं नोटिफिकेशन की ओर। ये जो नोटिफिकेशन आप देख रहे हैं ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ साउथ सिक्किम एट नामची से निकल के आया है। ये जो पोस्ट है ग्रुप सी और डी के लिए है, और ये फॉर्म ऑल इंडिया एप्लीकेबल है। स्टेनोग्राफर ग्रेड के लिए बात करें तो पे स्केल लेवल 11 तक है, और नंबर ऑफ वैकेंसी 2 है। जूनियर अकाउंटेंट्स के लिए पे स्केल आपको लेवल 10 तक है, और नंबर ऑफ वैकेंसी 2 है। जूनियर लाइब्रेरियन के लिए पे स्केल लेवल 9 तक है, और नंबर ऑफ वैकेंसी 2 है। एलडीए के लिए पे स्केल 9 है और वैकेंसी है 4 है। डिस्पैचर के लिए पे स्केल 9 है और वैकेंसी 2 है। रिकॉर्डर कीपर के लिए पे स्केल 9 और वैकेंसी 2 है। ड्राइवर के लिए लेवल 7 पे स्केल है और नंबर ऑफ वैकेंसी 2 है। प्रोसेसर सर्वर के लिए नंबर 6 वैकेंसी और लेवल 6 तक आपको पे स्केल मिलेगा। पीएन के लिए 3 वैकेंसी है। स्वीपर के लिए 2 वैकेंसी है। चौकीदार के लिए 2, माली के लिए 2, और रेसिडेंशियल ऑर्डरली के लिए 3 वैकेंसी है। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो आपका जो फॉर्म है वो एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया 18 अगस्त से, और इसका लास्ट डेट है 19 सितंबर 2022 शाम 4 बजे तक। इसका जो रिसीव कॉपी है 19 सितंबर 2022 के आगे आपको भेजना होगा। इसका जो एज लिमिट है 18 से 40 ईयर तक आपको अगर एज है तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, यानी आपका जो एज काउंट होगा वो 19 सितंबर 2022 के हिसाब से। उसके बाद आपका एलिजिबिलिटी कंडीशन के लिए बात करें तो स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 के लिए आपको बैचलर डिग्री किसी भी यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, एंड सर्टिफिकेट होना चाहिए डिप्लोमा में कंप्यूटर में। उसके बाद आपका सिलेक्शन प्रोसीड्योर रिटन एग्जाम और प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के थ्रू होगा, और उसके बाद आपका वाइवा होगा। इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल नॉलेज, बेसिक कंप्यूटर एप्लीकेशन, शॉर्ट हैंड एंड ट्रांसक्रिप्शन जो आपको 60 वर्ड 10 मिनट के अंदर आपको क्लियर करना है, यानी आपको 600 वर्ड आपको टाइप करना है। 20 मिनट के ट्रांसक्रिप्शन पे आपको 600 शॉर्ट हैंड में क्लियर करना पड़ेगा। उसके बाद आपका जो टाइपिंग स्पीड होगा वो भी आपको 40 पर मिनट आपको होना चाहिए। उसके बाद आपको 100 मार्क्स का वाइवा एग्ज़ाम होगा। जूनियर अकाउंट्स की बात करें तो आपको बैचलर डिग्री किसी भी यूनिवर्सिटी होना चाहिए, और आपको कंप्यूटर में डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो रिटन एग्जामिनेशन और वाइवा के थ्रू होगा। रिटन एग्जाम में आपको इंग्लिश लैंग्वेज और जनरल नॉलेज और बेसिक कंप्यूटर होने वाला है, और वाइवा में आपको 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। जूनियर लाइब्रेरियन के लिए बात करें तो बैचलर डिग्री किसी भी बोर्ड से होना चाहिए और डिप्लोमा कंप्यूटर में होना चाहिए। रिटन एग्जाम और वाइवा आपका सिलेक्शन प्रोसीड्योर होगा। इसके बाद यहाँ पर आपका सिलेबस रहेगा जो इंग्लिश लैंग्वेज और जनरल नॉलेज में होगा, 1 घंटे करके आपका टाइम दिया जाएगा। उसमें आपको बेसिक कंप्यूटर एप्लीकेशन में आपको नॉलेज होना चाहिए, और आपका वाइवा होगा 100 मार्क्स का। एलडीए की बात करें तो बैचलर डिग्री पास होना चाहिए किसी भी बोर्ड से, और डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर में। यहाँ पर आपका सिलेबस बताया गया है, 1 घंटे का समय दिया जाएगा, उसके अंदर आपको इंग्लिश लैंग्वेज होगा 100 मार्क्स का, और 1 घंटे का समय दिया जाएगा जनरल नॉलेज और बेसिक कंप्यूटर में। वाइवा का मार्क्स होगा 100 मार्क्स का। डिस्पैचर की बात करें तो बैचलर डिग्री होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, और कंप्यूटर में डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए। रिटन एग्जाम और वाइवा आपका होगा, ये भी आपका सेम सिलेबस रहेगा। रिकॉर्डर कीपर की बात करें तो आपको बैचलर डिग्री होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, और डिप्लोमा कंप्यूटर में होना चाहिए, ये भी यहाँ पर आपको सेम सिलेबस रहेगा। उसके बाद ड्राइवर की बात करें तो आपको 8 पास होना चाहिए, और आपको ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए 3 ईयर के एक्सपीरियंस के साथ, आपको लाइसेंस मस्ट है। यहाँ पर आपका ड्राइविंग टेस्ट होगा ड्राइवर के लिए, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन 50 मार्क्स का, और वाइवा एग्ज़ाम होगा 50 मार्क्स का, यानी आपको 100 मार्क्स का टोटल एग्ज़ाम होगा।
प्रोसेस सर्वर की बात करें तो आपको 8 पास होना चाहिए किसी भी स्कूल और बोर्ड से। उसके बाद आपका जो सिलेक्शन प्रोसीड्योर होगा वो वाइवा के थ्रू होगा। वाइवा में आपको 100 मार्क्स रहेगा। पीओन स्वीपर चौकीदार के लिए आपको 8 पास होना चाहिए, स्वीपर के लिए 5 पास होना चाहिए। आपका जो सिलेक्शन प्रोसीड्योर होगा वो वाइवा के थ्रू होगा। इसमें आपको 100 मार्क्स का वाइवा टेस्ट होगा। माली और रेसिडेंशियल ऑर्डरली के लिए आपको 5 पास होना चाहिए किसी भी स्कूल से, और इसमें आपको सिलेक्शन प्रोसीड्योर होगा वाइवा के थ्रू। आपका वाइवा होगा 100 मार्क्स का। उसके बाद यहाँ पर एसेंशियल टर्म एंड कंडीशन बताया गया है। आपको इंडियन सिटीजनशिप होना ज़रूरी है और आपको साउंड सुनने में और बोलने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। आपका गुड मोरल कैरेक्टर होना चाहिए और आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन, बर्थ सर्टिफिकेट, वैलिड एम्प्लॉयमेंट कार्ड, डॉक्यूमेंट्स प्रूफ्स रेसिडेंशियल जैसे इंडियन पासपोर्ट, आइडेंटिफिकेशन, आधार कार्ड, ये आपको देना पड़ेगा। फिजिकल और मेंटली कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग एंड डिस्पैच हिज और हर ड्यूटीज, यानी आपको फिजिकली और मेंटल में आपको क्षमता होना चाहिए। उसके बाद आपका जो सारे क्राइटेरिया है आपको फुलफिल होना चाहिए। इसमें आपको रिटर्न एप्लीकेशन फॉर्म भेजना पड़ेगा डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज और नामची साउथ थ्रू, और इसमें आपको सेल्फ अटेस्टेड देना होगा सारे कॉपी के अंदर। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी आपको जैसे एजुकेशन क्वालिफिकेशन, कंप्यूटर नॉलेज, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ, वर्किंग एक्सपीरियंस, सारे आपको इस सेल्फ अटेस्टेड देना होगा। और इसके साथ आपको 2 फोटो भेजना पड़ेगा। इसमें आपको 50 रुपीज का ड्राफ्ट देना पड़ेगा ग्रुप सी पोस्ट के लिए, और सीरियल नंबर 166 हेडलाइंस ये आपको देना पड़ेगा। एप्लीकेशन विल प्रोवाइडेड हिज और हर प्रॉपर एड्रेस, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस, यानी आप इस पे आपको मोबाइल नंबर ईमेल एड्रेस सही तरीके से भेजना होगा क्योंकि इसी माध्यम से आपका एडमिट कार्ड आएगा। एप्लीकेशन विल हैव ए सबमिट डिक्लेरेशन अलोंग हिज और हर एप्लीकेशन, यानी आपका जो एप्लीकेशन है सही तरीके से आपको फिलअप करना होगा। और इसका जो एडवर्टाइजमेंट डेट है 17 अगस्त 2022, और इसके अंदर आपको एम्प्लॉयमेंट नोटिस आपको 18 अगस्त के हिसाब से आपको मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नामची इसमें आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपका डेट ऑफ एग्जामिनेशन, डेट ऑफ एडमिट कार्ड, आपका मोबाइल पे जो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दे रहे हो उस पर आपको पता चल जाएगा। उसके बाद एलिजिबल कंडीशन, आपको रिटर्न एग्जाम देना होगा जिस पोस्ट के लिए लगेगा, नहीं तो आपको वाइवा में जो एग्ज़ाम होगा उसमें आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। और इस सब्जेक्ट में आपको फिजिकली टेस्ट देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर चाहे तो आप पढ़ सकते हैं, एलिजिबल एप्लीकेशन शुड अपीयर एंड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, यानी जिस पोस्ट के लिए सिर्फ वाइवा के थ्रू सिलेक्शन प्रोसीड्योर होगा उसमें आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले जाना पड़ेगा। उसके बाद इन्फॉर्मेशन सबमिट बाय द एप्लीकेशन हिज आर एप्लीकेशन डिक्लेरेशन विल ब्लाइंड द एप्लीकेशन इफ फाउंड बी फॉल्स हिज आर आर कैंडिडेट विल बी कैंसिल फोर्थ, यानी आप जो डॉक्यूमेंट्स भरेंगे वो अगर गलती है किसी फॉल्स से तो आपका फॉर्म रिजेक्ट किया जाएगा एट दिस टाइम। उसके बाद फाइनल सिलेक्शन, आपको रिटर्न टेस्ट, और जिसका जो पोस्ट के थ्रू सिलेक्शन होगा वही माध्यम से आपका सिलेक्शन किया जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप पहली बार फॉर्म फिलअप गुरुजी पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और हमारे टेलीग्राम चैनल, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। चलते हैं, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।